ठीक है जी, तो मिक्सचर्स को कैसे हमने सेपरेट करना है हम इस पे बात करेंगे। इज इट ओके, आर यू रेडी? ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखते रहना, हमने कुछ ये रटे नहीं मारने हैं, हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है। असाइनमेंट सबको मिल गई है? जिस जिसको असाइनमेंट मिल गई है रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, चलिए चलिए, वेरी गुड। तो बेटा अब हमने ये देखो, ये देखो, ये जो मेरे पास है ये कुछ आयरन के पार्टिकल्स है, आयरन फाइलिंग्स हम कह देते हैं, ये मैंने इसमें डाले, ध्यान से देखना है। और इसमें ये जो है ये मेरे पास क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये मैंने पत्ती ले ली है, चाय पत्ती होती है ना, वो मैंने ले ली। ठीक है, और क्या आप यहां से अगर देख सकते हो, क्या चाय पत्ती और आयरन फाइलिंग्स में कुछ फर्क पता चल रहा है? यस और नो? नो। ठीक है, तो अब हम कैसे करें, क्या करें, इन दोनों को अलग करना है। चाय पत्ती हम चाय में जो है वो आयरन तो डाल नहीं सकते, तो अब हम ये कैसे सेपरेट करके देखें, देखें जरा। ये मेरे पास क्या है, दिस इज मैग्नेट, लेट्स सी। ये देखिए ये क्या आ गई, ये सारी, कैन यू सी दिस, कि मैग्नेट ने ये सारे आयरन फाइलिंग्स क्या कर लिए। इधर देखो बेटा, इधर, बिल्कुल इधर, एवरी स्टूडेंट हियर, आयरन फाइलिंग्स क्या कर लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए। सो ये हमने इसमें फिर अलग कर दिए। आप देख सकते हो नीचे क्या बची है, सिर्फ पत्ती बची है। हम एक बार और टेस्ट करके देख लें कि कुछ आयरन के फाइलिंग्स यहाँ पे बचे तो नहीं है। ये देखो ये जो है ये नहीं। ठीक है, आप कहोगे कि भी ये शायद सारी पत्ती थी, बट हम एक बार आपको थोड़ा सा और करके दिखाते हैं। ये पत्ती हमने सेपरेट साइड में कर दी और ये हमने आयरन फाइलिंग्स फिर रख दिए। तो यू कैन सी हियर, एवरीबडी हियर, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। इधर बेटा स्क्रीन पे, बॉयज बेटा इधर स्क्रीन पे। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, मैग्नेट, ये देखिए ये मैग्नेट ने ये सारी आयरन फाइलिंग्स को क्या कर लिया, ये सबको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो क्या बच गया, सिर्फ कुछ भी नहीं बचा। जब हमने पत्ती, जब हम किसी भी चीज को, ये आयरन फाइलिंग्स है, ये लो है ना, इसमें आप जैसे कुछ शरारती बच्चे थे और मम्मी ने क्या किया था कि आपका घर बन रहा है, ये आयरन की चीजें पड़ी है, और आपने क्या किया, ये मेरे पास कुछ चीनी, चीनी का बुरादा पड़ा हुआ है, यू कैन सी हियर। ठीक है, ये मिक्स कर दिया, डांट तो रही है मम्मी कि ये क्या है, सारे लोहे में जो है वो चीनी मिक्स कर दी। बट आप क्या हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है, वो कहते हैं ऐसे ही डांटी जा रहे हो, है ना, गिव मी माई टॉय बॉक्स, आई हैव द मैग्नेट, आई विल सेपरेट द टू थिंग्स, है ना, ऐसे मत डांटो हमें। तो अब हम ये भी देख लेते हैं, क्या चीनी, ये चीनी का बुरादा है, देसी खांड है, क्या हम देसी खांड को आयरन से अलग कर सकते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। कैन यू सी दिस, है ना, कहाँ वो ब्लैक सा मिक्सचर था, कहाँ ये व्हाइट या येलो जो है देसी खांड हमारी अलग हो रही है, लेट्स सी दैट। सो दिस इज कॉल्ड एज, है ना, इसको थोड़ा सा और हम फैला दें तो सारा जो है ना, सारा आयरन जो है इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। सो यू कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ एनीथिंग विद आयरन बाय, किससे, बाय मैग्नेट्स, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सेपरेशन। इज इट राइट और नॉट? ठीक है जी, तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन है। दूसरी चीज अगर हम आए,
नेक्स्ट हमने क्या किया बेटा? हमने ये चाय की पत्ती हमने डाल दी गिलास में, और इसमें हमने क्या डाल दिया? हमने डाल दिया पानी। अब हम ये पानी पी तो सकते नहीं, अब क्या करें, कैसे इसको अलग करें? थोड़ी देर बाद वैसे तो ये बैठ जाएगी, बट फिर भी जो थोड़े थोड़े पार्टिकल्स अगर ऊपर है तो इसको कैसे सेपरेट करें? तो ये हमारे पास क्या है? सीव है, छलनी है। हमने क्या किया, इसको जब लिक्विड के पार्टिकल्स इनसॉल्युबल हो, ये जो चाय की पत्ती है ये इनसॉल्युबल है, राइट? सो इट इज इनसॉल्युबल एंड इट इज हैवियर देन वॉटर, देन वी सेपरेट इट बाय सीविंग। क्या हम करते हैं? सीविंग से इसको अलग कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सीविंग। क्या बोलते हैं इसको? सीविंग। सीविंग हम कब करते हैं? जब किसका मिक्सचर हो, लिक्विड का मिक्सचर हो और साथ में इनसॉल्युबल सॉलिड का मिक्सचर हो। यस और नो? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सीविंग। चलिए इसमें हम अब क्या मिलाएंगे? लेट अस से ये हमने शुगर मिला दी, देसी खांड हमने मिला दी। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, यस और नो? ठीक है, हमने इसको देसी खांड मिला दी है। ये देखिए ये सारी जो है ये इसमें घुल गई है। हम थोड़ी सी और मिलाते हैं, देखें ये घुलती है कि नहीं। ये भी तकरीबन घुली गई है। लेट्स मिक्स टू मोर स्पून्स। बेटा अब जो है इट इज नॉट डिजॉल्विंग, है ना? हम थोड़ी सी और डाल के देखें, ऑल्दो आपको यहाँ पे पता नहीं क्लियरली नजर आएगा कि नहीं, बट नो द शुगर इज नॉट डिजॉल्विंग, ऑल्दो शुगर इज सॉल्युबल इन वॉटर। तो ये नीचे बैठ रही है, नीचे को डिपॉजिट हो रही है। वाई हम कहते हैं शुगर इज सॉल्युबल इन वॉटर, देन वाई इट इज नॉट सॉल्युबल? शुरू में तो सॉल्युबल हुई, बट लेटर ऑन व्हेन वी एडेड मोर शुगर देन द शुगर डज नॉट गेट्स डिजॉल्व। व्हाई? एनीबडी रेज योर हैंड्स। हाँ जी, देयर इज वन गर्ल। हाँ जी बोलो बेटा। नाउ दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इट हैज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर। दिस सॉल्यूशन इन विच नो मोर शुगर गेट्स डिजॉल्व इज कॉल्ड एज सेचुरेटेड सोल्यूशन। बैठो बेटा, बैठो, सिट डाउन। अगर हम ये क्लास में इतने बच्चे आ रहे हैं, अगर हम 50 बच्चे और यहां पर भेज दें, विल दे टू सिट हेयर? यस और नो? 50 स्टूडेंट्स और हम भेज दें, विल इट बी देयर? यस और नो? नो, बिकॉज 10 स्टूडेंट्स और 20 स्टूडेंट्स कैन एडजस्ट इन योर क्लास। दिस इज कॉल्ड एज कि भाई जब ये क्लास पूरी भर जाए, जिसके बाद और कोई स्टूडेंट अंदर नहीं आ पाए, देन द क्लास इज सेट टू बी सेचुरेटेड। यू विल से नाउ इट्स सेचुरेटेड क्लास, नो मोर स्टूडेंट कैन एडजस्ट हेयर। लाइक वाइज शुगर इज सोल्यूबल इन वॉटर, सॉल्ट इज सोल्यूबल इन वॉटर, बट इफ वी डिजॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ, इफ वी स्टार्ट एडिंग सॉल्ट 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 और शुगर 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 एट वन टाइम, नो मोर शुगर गेट्स डिजॉल्व इन इट, नो मोर सॉल्ट गेट्स डिजॉल्व इन इट, इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सो राइट डाउन एवरीबडी, अपनी असाइनमेंट पे लिख लो।
व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी बेटा बहुत आगे तक इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय, अपने असाइनमेंट पर ही लिख लो, पेन निकाल लो बस, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? और ये पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट करके लिखना। द सोल्यूशन ऑफ वॉटर, द सोल्यूशन ऑफ वॉटर प्लस सॉलिड, ब्रैकेट में लिख लेना सॉल्ट शुगर कुछ भी, द सोल्यूशन ऑफ वॉटर प्लस सॉलिड, ब्रैकेट में लिख लो सॉल्ट है या शुगर है या कुछ और, इन विच नो मोर सॉलिड, इन विच नो मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व्ड। हां जी बेटा, पूछना है कुछ कि बताना है कुछ? नो मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व्ड, ठीक है? अगर हम देखो बेटा, सी हियर, हमने ये पानी लिया, हमने ये थोड़ी सी चीनी मिलाई, इसमें अभी और बहुत सारी चीनी मिल सकती है। दिस इज अनसेचुरेटेड, दिस इज अनसेचुरेटेड, जिसमें अभी चीनी मिल सकती है, कोई सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है। वेयर एज दिस सॉल्यूशन इन विच नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व, दिस इज नाउ बोथ हैव वॉटर एंड शुगर, बट दिस इज अनसेचुरेटेड, दिस इज सेचुरेटेड, इसमें हम और शुगर नहीं, इसमें हम और शुगर मिला सकते हैं। वेयर एज नो दिस कैन नॉट डिजोल्व मोर शुगर, सो दिस इज, बताओ जल्दी से ये कौन सी सोल्यूशन है? सैचुरेटेड, और ये वाली, बट क्या हम इसमें, हमने देखा इसमें हम और चीनी नहीं मिला सकते, बट किसी तरह से, इज देयर एनी मेथड बाय विच मोर शुगर कैन बी एडेड इन इट? क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम थोड़ी सी चीनी और मिला लें? यस, है ना, कैसे? हाँ जी, यस, वन गर्ल इज देयर, हाँ जी बोलो बेटा। And by adding एलम? नहीं बेटा, एलम तो इकट्ठी कर लेगी शुगर को जो है, बाय हीटिंग इट, हीटिंग से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। टेम्परे, इसको अगर इस सॉल्यूशन को मैं पैन में डाल के हीट कर दूंगी और थोड़ी सी चीनी और मिला दूंगी तो वो शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। तो राइट डाउन, वी कैन डिसॉल्व मोर सॉलिड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वी कैन डिसॉल्व मोर सॉलिड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, बाय हीटिंग इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो असाइनमेंट में, क्वेश्चन नंबर 15, बोथ सारिका एंड मोहन वर आस्ट टू मेक सॉल्ट सॉल्यूशन, सारिका वॉज गिवन ए टी स्पून फुल ऑफ सॉल्ट, उसको एक स्पून दे दिया एंड हाफ ए ग्लास ऑफ वाटर, वेयर एज मोहन वॉज गिवन 20 टी स्पून फुल ऑफ सॉल्ट एंड हाफ ए ग्लास ऑफ वाटर। सारिका को एक चम्मच नमक दिया एंड मोहन वॉज गिवन 20, 20 चम्मच उसको नमक दिया। हाउ कुड दे मेक सॉल्ट सोल्यूशन, कैसे बनाएंगे सॉल्ट सोल्यूशन? बाय डिजोल्विंग सॉल्ट इन वॉटर, सिंपल। हु वुड बी एबल टू प्रिपेयर सेचुरेटेड सोल्यूशन, रेज योर हैंड्स। यस, देर इज वन बॉय, बॉय है बेटा थर्ड रो में, आई होप थर्ड रो में जो लड़के का हाथ है, थर्ड या सेकेंड रो, जो भी जिस बॉय ने हाथ खड़ा किया। यस 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 यस, आप बता दो। हाँ मोहन, वेरी गुड, मोहन विल बी एबल, बैठो बेटा,
मोहन विल बी एबल टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी बच्चे को ये चीज नहीं समझ में आई तो बताओ। एवरीबडी अंडरस्टूड? जोर से बोला करो, यस और नो? यस, वेरी गुड। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद Yes. नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए बेटा। अब हम असाइनमेंट पे इस पे आ जाते हैं, दैट इज योर। तो अब हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स होती है मैटर की? थ्री स्टेट्स है। कौन सी स्टेट्स है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन है, और अगर इनको आपस में मिलाएं तो हमारे पास क्या बन जाता है? मिक्सचर्स बन जाते हैं। तो कौन कौन से मिक्सचर्स है हमारे पास? वी हैव, अगर हम मिक्सचर्स देखें, तो हमारे पास सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स है, राइट? सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स मैंने जैसे अभी आपको दिखाए थे, दैट इज कनक है और उसमें पत्थर है, दैट इज सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स, यस और नो? आयरन फाइलिंग्स में हमने शुगर मिला दी, पत्ती मिला दी, दैट इज सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स, राइट? सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स ऑल्सो आई हैव शोन यू, वॉटर एंड शुगर, वॉटर एंड सॉल्ट, दैट इज सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स, वॉटर एंड ऑयल, राइट? लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ वॉटर एंड ऑयल, सेकेंड है मिक्सचर ऑफ वॉटर एंड पेट्रोल। आपको पता है पानी में पेट्रोल मिक्स हो जाता है, बट पानी में क्या ऑयल मिक्स होता है? नो, सो दिस इज इमिसिबल। ये जो मिक्सचर है, दिस इज इमिसिबल, इमिसिबल या फिर इनसॉल्युबल। वेयर एज मिक्सचर ऑफ वॉटर एंड पेट्रोल, वॉटर एंड एल्कोहल, आपने देखा होगा कि एल्कोहल जब लोग ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक्स में, हार्ड ड्रिंक्स में, विस्की में क्या मिला लेते हैं? पानी मिला लेते हैं, यस और नो? ठीक है, तो विस्की में और पानी जब मिला लेते हैं, आर दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर? नो, है ना, एक ही जैसे लगते हैं, सो दे आर सॉल्युबल। ये जो है, दिस इज सॉल्युबल, या हम इसको बोल देते हैं मिसिबल। मिसिबल मीन्स वेन टू लिक्विड आर मिक्सड विद ईच अदर। पीछे बॉयज इधर देखो, वेयर एज इमिसिबल मीन्स वेन द टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। इज इट ओके? ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ मिक्सचर्स। एवरीबडी नोज दिस और नॉट? पता है? Yes. मुझे ये बताओ कि ये चैप्टर आपने कर लिया है कि नहीं? यस और नो? यस, ये आपके एग्जाम में भी आया था, फिर तो आना चाहिए आपको। ठीक है, सो मिसिबल इमिसिबल मिक्सचर, राइट? सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं नाउ, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स, राइट? यहाँ पे क्या है? चावल है और स्टोन्स है। व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज? जल्दी से बताओ, है
हैंड पिकिंग, दिस इज हैंड पिकिंग। यहाँ पे जब आपने बटन ढूंढने हो, अगेन दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्ड बटन्स एंड दीज कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग, राइट? ठीक है, हम कनक साफ करते हैं, हम चावल साफ करते हैं, हम दालें साफ करते हैं, कैसे साफ करते हैं? बाय हैंड पिकिंग, राइट? बिकॉज द राइस साइज ऑफ द राइस ग्रेन एंड द स्टोन्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। हम इनको छान नहीं सकते क्योंकि या तो दोनों ऊपर रह जाएंगे या दोनों नीचे चले जाएंगे, इनका सेम साइज है। तो हैंड पिकिंग, रिमेंबर दैट, कि हैंड पिकिंग कब होता है? दैट इज व्हेन व्हेन देयर इज, यू नो, द टू सब्सटेंसेस आर ऑफ सेम साइज। लिख लो अपने पास, When the two substances of a mixture are of same size, they are separated by hand picking. Next आ जाता है बेटा सीविंग। सीविंग अगेन, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स लिखते चलना कहीं पे। और सीविंग कब होती है? व्हेन टू सॉलिड्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। अगर सेम साइज है तो हैंड पिकिंग, व्हेन दे आर ऑफ डिफरेंट साइज देन वी डू सीविंग। ठीक है, आटा और उसमें जो बूरा होता है, हम उसको कैसे छानते हैं? हम सीव से छानते हैं, बिकॉज जो आटा है, आटे का साइज बहुत छोटा है और जो बूरा है वो उसके ऊपर रह जाता है, बिकॉज द टू आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। देन मैग्नेटिक सेपरेशन, यू नो, वन सब्सटेंस शुड बी मैग्नेटिक, इज इट ओके? देन नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? अच्छा, टीचर आपको लगाती है डंडा, लगाते तो नहीं है आजकल, बट टीचर अगर आपको डंडा लगाए तो इंग्लिश में आप जाके क्या बताओगे? टीचर इज, टीचर हैज बीटन अस, या थ्रेश्ड अस, या टीचर मेरे जैसा कह भी देते, आई विल थ्रेश यू, है ना? थ्रेश यू का मतलब पिटाई करेंगे हम आपकी अगर काम नहीं करोगे। थ्रेशिंग का मतलब है पीटना। तो यहां पर किस चीज की पिटाई हो रही है? यहां पर फसल की पिटाई हो रही है। लिखो अपने असाइनमेंट में, लिखो कि थ्रेशिंग का क्या मतलब होता है। थ्रेशिंग का मतलब है पीटना, कभी नहीं भूलोगे। थ्रेशिंग, द इंग्लिश वर्ड इज थ्रेशिंग एंड इट्स मीनिंग इन हिंदी इज पीटना। सो हेयर द वीट क्रॉप इज थ्रेश्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। उनकी डंडियों में से ग्रेन्स को अलग करना है। सो थ्रेशिंग सेपरेट्स, यहां पे लिखा हुआ है, ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। तो इसमें से क्या अलग हो गए? ग्रेन्स अलग हो गए, बट ग्रेन्स का छिलका भी तो है ना, ये सिर्फ स्टॉक उनकी डंडियों में से अलग हुए हैं। ग्रेन्स और उसका चाफ, चाफ होता है उसका छिलका, वो अलग हो गए इन डंडियों में से, इन स्टॉक्स में से, राइट? देन अब व्हाट वी वांट ओनली ग्रेन्स, वी डोंट वांट द चैफ ऑफ द ग्रेन्स, द कवरिंग ऑफ द ग्रेन्स वी डोंट वांट, वी वांट ओनली ग्रेन्स एंड द वेट ऑफ द कवर ऑफ द ग्रेन एंड द ग्रेन इज डिफरेंट, राइट? दिस चाफ इज लाइटर देन ग्रेन।
लाइट इन वेट एंड ग्रेन इज हैवी. सो लाइट चैफ इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवी ग्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज विनोइंग. सो व्हाट इज विनोइंग? लिखो जरा कॉपी में लिख लो या असाइनमेंट में ही नीचे करके लिख लो. विनोइंग इज द प्रोसेस टू सेपरेट टू सॉलिड्स टू सेपरेट टू सॉलिड्स इन विच वन सॉलिड इज वेरी लाइट इन वेट. इन विच वन सॉलिड इज वेरी लाइट इन वेट. इज इट क्लियर? अब आपको थ्रेशिंग और विनोइंग में कंफ्यूजन तो नहीं होगी. थ्रेशिंग अगर आपको याद रहेगा कि पीटना होता है, देन यू नो दैट द क्रॉप्स आर थ्रेश्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक. इज इट राइट? समझ में आई ये बात? चलिए असाइनमेंट में कौन सा क्वेश्चन है बेटा इस पे? यस, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 करो जल्दी से. वेरी गुड. अब जो है, ए फार्मर वॉज सैड कि हैप्पी टू सी द हेल्दी वीट क्रॉप. हैप्पी हैप्पी ही हार्वेस्टेड द क्रॉप्स एंड लेफ्ट इट अंडर द सन की रेन टू ड्राई द स्टॉक्स. सन टिक मार्क करते चलो जो ठीक है. सन टू सेपरेट द सीड्स फ्रॉम द बंडल्स ऑफ द स्टॉक ही हैंड पिक्ड के थ्रेस्ड देम. आफ्टर गैदरिंग द सीड ग्रेन्स ही वॉन्टेड टू सेपरेट द स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम इट. हिज वाइफ विनोड के थ्रेस्ड विनोद विनोड फ्रॉम टू सेपरेट द हस्क एंड लेटर हैंड पिक्ड टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम इट. ठीक है, छालना नहीं कर सकते बेटा. वैसे तो छालनी भी करते हैं और हैंड पिक भी करते हैं. शी ग्राउंड द व्हीट ग्रेन्स एंड सीव्ड द फ्लोर. ठीक है, द वाइस फार्मर एंड हिज वाइफ गॉट ए गुड प्राइस. है नहीं है असाइनमेंट सुन के बस नहीं, पहले सर? उनसे कहो कि पहले की दी हुई है आपको, मतलब उनसे कहो कि छुट्टियों से पहले की आपको मिली हुई होगी, नहीं तो सर अपना करवा देंगे जितने क्वेश्चंस हैं. नहीं तो सर को कहना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लिख के उनके आंसर्स करवा दें. ठीक है बच्चों, सो दिस इज विनोइंग, दिस इज थ्रेशिंग, दिस इज विनोइंग. ये क्वेश्चन हमने कर लिया. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. कहाँ गया मेरा? नाउ यू नो दिस, दिस शुगर इज मिसिबल सॉल्युबल. दिस इज सॉल्युबल इन वॉटर. ये सॉल्युबल इन वॉटर है. एंड दिस यू नो सैंड हम कह लीजिए. इन सॉल्युबल इन वॉटर हम देख लेते हैं थोड़ा सा. ये मेरे पास सैंड है, ये हमने डाली. तो इट इज इनसॉल्युबल इन वॉटर. तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, लेट्स सी, है ना. इसको अभी हम नीचे रख देते हैं, कुछ टाइम बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं. ठीक है, सो हेयर व्हाट वी विल डू. शुगर इज सॉल्युबल इन वॉटर. जो शुगर है वो तो पानी में घुल गई. कैन वी सेपरेट शुगर एंड वॉटर? जो पानी में मिल गई क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? जल्दी से, नहीं कर सकते.
यस और नो। पानी सॉल्ट पानी में घुल गया, शुगर पानी में घुल गई, क्या हम सेपरेट कर सकते हैं? नो। अच्छा अब एक काम करना घर में जाकर, कि ढेर सारी शुगर पानी में डालना, डिसॉल्व करना और उसको गैस पे रख देना। क्या हो जाएगा? पानी बॉयल करके इवेपोरेट हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा? विल समथिंग लेफ्ट डाउन और नो? बोलो बेटा, क्या बचेगा नीचे? हमने पानी में शुगर मिलाई थी, पानी तो बॉयल हो गया, इवेपोरेट हो गया, नीचे क्या बचा? शुगर। तो वी कैन सेपरेट, लिखो, द सब्सटेंसेस विच आर सोल्यूबल इन वॉटर, द सब्सटेंसेस सच एज सॉल्ट एंड शुगर विच आर सोल्यूबल इन वॉटर। बेटा एक मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग नीरू मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम। अच्छा अच्छा जी मंजीत मैम। मैम ये ना जो पुराना हमने ये छुट्टियों से पहले भेजे थे है ना, जिसमें फोर्स प्रेशर फ्रिक्शन ये सब था है ना, तो ये आपके पास है? हाँ जी, आप ये चेक करके फिर हम बात करें, ठीक है? ओके ओके मैम, ठीक है जी। तो द सब्सटेंसेस विच आर सोल्यूबल इन वॉटर सच एज शुगर एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन ऑफ वॉटर। बाय बॉइलिंग और इवेपोरेशन ऑफ वॉटर। और बेटा जो इनसॉल्युबल है इनको कैसे सेपरेट करेंगे? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हाउ? बाय, ये देखिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी, इधर इधर बाय, दिस इज मडी वाटर जैसे मैंने ये बनाया है, और इसको हम 2-3 घंटे अगर ऐसे खड़े रखें तो व्हाट विल हैपन? द मड विल सेटल डाउन, दिस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। दिस इज, यहां पे क्या हो रही है? सेडिमेंटेशन। एंड क्लियर वॉटर इज अपसाइड, राइट? सो वी कैन सेपरेट, हम अलग से सेपरेट कर लेंगे ऊपर से क्लियर वॉटर को। दिस इज कॉल्ड एज क्या, इसको हम कहेंगे दैट इज डिकेंटेशन। तो राइट डाउन द इनसॉल्युबल, जल्दी से, द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इन वॉटर, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस इन वॉटर कैन बी सेपरेटेड बाय, जो बिल्कुल इनसॉल्युबल है जैसे चाय की पत्ती थी, बाय फिल्ट्रेशन, और जो पहले ऐसे मडी वाटर बना देते हैं, एंड सेकंड इज बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। एंड थर्ड इज लोडिंग बाय एलम। इज इट राइट? लोडिंग बाय एलम। लोडिंग की प्रोसेस पता है बच्चों को कि नहीं पता? जिसको पता है लोडिंग के बारे में रेज योर हैंड्स। Nobody knows. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम, आई विल शो यू
हाउ द लोडिंग अकर्स, राइट। तो आज आपने क्या करना है, आज आपका थोड़ा सा होमवर्क ये है कि मैंने बहुत सारी चीजें आपको असाइनमेंट में करवा दी है ना, और ये क्वेश्चंस आपने करके आने हैं जो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट 8 क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल डू इट, जल्दी से रेज योर हैंड्स, कौन से फर्स्ट 8 क्वेश्चंस करके आएंगे, आ जाइए। ठीक है, तो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस करके आना बेटा, ठीक है। आई होप काफी चीजें आपको समझ में आई होगी, लोडिंग की प्रोसेस, कुछ और प्रोसेसेस आई विल शो यू नेक्स्ट टाइम। ओके बेटा, चलिए हैंड्स डाउन एंड वी विल टेक 2 मिनट्स ऑफ यू, ताकि मैं मैथ्स की स्लाइड जो है आगे प्रिपेयर कर दूं, ठीक है। बस जल्दी से अपने मैथ्स के लिए ये असाइनमेंट बैग में रखो, और मैथ्स के लिए एक रजिस्टर कॉपी जो भी है वो निकाल लो क्विकली। बच्चे मैंने कल वाली असाइनमेंट पढ़ी होगी 7th की, वो मैं लेके नहीं गया कल। ये इसमें मैथ की भी है? नहीं सर, आज तो असाइनमेंट अच्छा नहीं ठीक है जी। है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड आफ्टर हॉलीडेज। बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके, चलिए बच्चों, तो आज हम चैप्टर कर रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स, राइट। सो नंबर सिस्टम आप सबको पता है। हाँ जी बच्चों, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, आर यू अवेयर? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? आप लोगों की आवाज नहीं मुझे क्लियर आ रही है, कई बार बहुत ज्यादा आ रही है, कई बार बहुत कम आ रही है। यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज होल नंबर? हाँ अच्छा, व्हाट इज प्राइम नंबर्स? व्हाट इज प्राइम नंबर्स? व्हाट इज प्राइम नंबर्स बच्चों? हाँ जी बताइए जरा, ये बीच में सरदार जी बैठे हुए हैं जो जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, हाँ जी गर्ल के पीछे, आप बताइए बेटा। आवाज नहीं आ रही है पुत्र,
द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। चलिए कुछ जल्दी से एग्जाम्पल बताइए बच्चों प्राइम नंबर्स के। हाँ जी वॉन्ट्स मैम, आंसर मैम आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली, इज देयर इश्यू विद द दिस माइक? माइक नहीं मैम, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, बहुत ही सम टाइम इस ब्रेक कर रही है मैम आवाज। एम आई ऑडिबल? प्लीज रेज योर हैंड इफ आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? मेरी आवाज आ रही है बट आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। टीचर प्लीज कम नियर टू द माइक एंड ट्राई टू कन्वे समथिंग। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द टीचर प्रेजेंट इन द क्लास, प्लीज चेक द माइक। हाँ यस सर, नाउ मैम अब ठीक आ रही है आपकी आवाज। हेलो, ओके सर, ओके माइक इज वर्किंग, यस सर माइक इज वर्किंग सर, नाउ इट इज फाइन मैम। तो एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस ओके सर, सर राइट कम फॉर राइट। सो बच्चे बताइए नंबर्स क्या होते हैं? कौन बचा जल्दी से माइक के पास आके बताइए जरा, कौन बताएगा बेटा? आ जाओ एक बच्चा आ जाओ, कोई भी आ जाओ जल्दी से। या दिस गर्ल सिटिंग इन द फ्रंट बेंच। हाँ जी बेटा आपको ही बोल रहा हूँ, आप इधर उधर देख रहे। यस एंड द नंबर इटसेल्फ। वेरी गुड। नाउ टेल मी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर, द सेम स्टूडेंट, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। आई एम नॉट सर एबल, थ्री एंड नाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइम, बेटा सर नाइन, थ्री एंड नाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर। थ्री एंड नाइन, इज नाइन ए प्राइम नंबर बेटा? बेटा नाइन, नाइन तो जो है अगर आप फैक्टर ट्री बनाओ, हाँ थ्री एंड सर फाइव, फाइव इज देयर एनी इवन प्राइम नंबर? बच्चे कोई इवन नंबर भी प्राइम नंबर हो? व्हाट इज दैट? यस सर टू नाइन इज सर बेटा, टू इवन प्राइम। आई एम टॉकिंग अबाउट इवन नंबर विच इज ए प्राइम नंबर, सो दैट इज ओनली वन एग्जाम्पल, टू राइट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड टू मोर टर्म टूडे, वन इज को प्राइम, अनदर इज ट्विन प्राइम। सो को प्राइम नंबर्स, व्हाट इज द को प्राइम नंबर्स? बच्चे को प्राइम नंबर्स वो होते हैं विच हैज ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर, इज इट क्लियर? और जरूरी नहीं है कि जो नंबर को प्राइम है वो प्राइम भी हो। फॉर एग्जाम्पल थ्री एंड फोर, अगर मैं इन दोनों के फैक्टर्स बना रहा हूं तो थ्री के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं बेटा? वन और थ्री, और फोर के टू टू, ये बन रहे हैं बेटा। तो इन दोनों नंबर्स में देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर, व्हाट इज दैट? वन। तो जिन नंबर्स के कॉमन फैक्टर इज ओनली वन, दैट इज नोन एज को प्राइम, राइट? एंड को प्राइम नंबर्स कैन बी इवन एज वेल एज ऑड। ऐसा जरूरी नहीं है कि ओनली ऑड होंगे, को प्राइम कैन बी इवन एज वेल एज ऑड, इज इट क्लियर? राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने थ्री और फोर लिया, कोई भी नंबर ले लो, नाइन एंड लेट्स से टेन, हमेशा दो कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं दे आर ऑलवेज को प्राइम, इज इट क्लियर?
टू कंजेक्टिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, इज इट क्लियर? राइट, नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम क्या होते हैं बच्चों? देखिए, अगर हम प्राइम नंबर की काउंटिंग शुरू करें, फर्स्ट इज टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन एंड सो ऑन। इज इट क्लियर और नॉट जी? इज इट क्लियर? नाउ विच नंबर ऑफ दीज आर ट्विन प्राइम्स? हाँ जी बताइए बेटा। एक बच्चा आ जाइए जरा आगे, ये फ्रंट बेंच पे जो गर्ल बैठी है, थ्री थ्री एंड फाइव, फाइव एंड फाइव। कोई और बताइए जी, वाई एंड सेवन बिकॉज दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम? डिफर दे आर डिफर बाय टू। बाय टू, राइट, वेरी गुड। सो एनी टू प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय, मीन्स जनरली क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, राइट? इफ देर आर टू कंजेकेटिव ऑड नंबर्स विच आर प्राइम, टू कंजेकेटिव ऑड नंबर्स विच आर प्राइम्स, दे आर नोन एज ट्विन प्राइम। फॉर एग्जाम्पल, 29 एंड 31। बेटा ये कंजेकेटिव ऑड नंबर्स हैं, 29 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? 31। यस, सो 29 एंड 31 बोथ आर प्राइम नंबर्स, सो दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। इज दिस क्लियर और नॉट जी? बेटा ट्विन प्राइम एंड को प्राइम आर टू डिफरेंट थिंग्स, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। को प्राइम वो होते हैं जिनका ओनली वन कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है जी? और ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? टू कंजेकेटिव ऑड प्राइम नंबर्स, जनरली ऑड ही होते हैं, बट टू कंजेकेटिव प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय टू ओनली। इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट बच्चों? नेक्स्ट बेटा, स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? राइट, नाउ जस्ट सी को प्राइम नंबर्स। नाउ इट इज गिवन, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एनी टू कंजेक्टिव नंबर्स आर को प्राइम। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है बच्चे, 21 एंड 22, दे आर कंजेक्टिव नंबर्स। अगर आप इनके फैक्टर बनाए तो देर विल बी ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखिए बेटा, 21 के फैक्टर्स बने हुए हैं, 1, 21, 7, 3, देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ 21 एंड फॉर 22। ये देखिए रेड जो किया हुआ है, वन इज अ कॉमन फैक्टर, इसको हमने रेड किया हुआ बेटा, देख रहे हो आप अलग कलर। ऑल अदर फैक्टर्स आर डिफरेंट, फॉर 22 इट इज 2, 11, 22, फॉर 21 इट इज 3, 7 एंड 21, ओनली वन इज अ कॉमन फैक्टर, सो देयर फॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। मीन्स इफ क्वेश्चन इज देयर, टू कंजेकेटिव नंबर्स आर को प्राइम, तो आंसर विल बी यस और नो। टू कंजेकेटिव नंबर्स आर को प्राइम, यस और नो? यस। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब यहां पे आपको कुछ नंबर्स गिवन है, देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्विन प्राइम्स, राइट? नाउ 23, 29, 31, 37, 41, 43, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। दोज नंबर्स विच डिफर बाय जस्ट प्लस टू आर नोन एज को प्राइम, सॉरी ट्विन प्राइम। देखिए बेटा यहाँ पे ये दोनों है, देर इज अ डिफरेंस ऑफ टू, 41, 43 डिफरेंस ऑफ टू, 59, 61 डिफरेंस ऑफ टू एंड सो ऑन, 71 एज वेल एज 73, देर इज अ डिफरेंस ऑफ टू ओनली, सो ऑल दीज आर ट्विन प्राइम। इज इट क्लियर?
यस देर आर सम क्वेश्चंस ऑन दिस प्लेइंग विद नंबर चैप्टर राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डूइंग असर्शन एंड रीजन. असर्शन रीजन बेटा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि देर आर फोर ऑप्शंस. असर्शन मीन्स सम स्टेटमेंट. रीजन मीन्स कि वेदर दैट रीजन इज ट्रू फॉर दैट स्टेटमेंट और नॉट राइट. सो नाउ फोर ऑप्शंस रहती हैं बच्चे. फर्स्ट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सेकंड में होते हैं दोनों ट्रू हैं ए एंड आर बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सी इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू. एंड फोर्थ इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. इज इट क्लियर. नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. ऑल ट्विन प्राइम्स आर को प्राइम नंबर्स. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए बेटा. ऑल ट्विन प्राइम आर को प्राइम. इज इट ट्रू और नॉट. हम दो ट्विन प्राइम नंबर ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 29 एंड 31. आर दे ट्विन प्राइम. आर दे को प्राइम. आर दे को प्राइम और नॉट बच्चों. यस और नो. यस बेटा देखो दोनों में देर इज ओनली वन एंड वन इज द ओनली कॉमन फैक्टर. सो दे आर को प्राइम. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ फर्स्ट पार्ट इज ट्रू. अब सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं बेटा. हम सेकंड वाला पार्ट क्या है. बट नॉट ऑल को प्राइम नंबर्स आर ट्विन प्राइम. हम इसका भी एग्जांपल लेते हैं जी. लेट्स से थ्री एंड फोर. आर दे ट्विन प्राइम. आर दे को प्राइम. बेटा आर दे को प्राइम और नॉट. बच्चे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की. बेटा एक बच्चा माइक के पास आके बोलिए. बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आप लोगों की. प्लीज यस यस. वाई वाई एस बेटा. बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर राइट. दोनों में ओनली वन इज अ कॉमन फैक्टर. सो दे आर को प्राइम बट दे आर नॉट ट्विन प्राइम. सो हमारे जो असर्शन हो गया दैट इज ट्रू और नॉट. बच्चे दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ट्विन प्राइम्स आर को प्राइम बट नॉट को प्राइम्स आर ट्विन प्राइम्स. सो असर्शन इज ट्रू. असर्शन इज ट्रू राइट. बट रीजन देखते हैं अब हम. को प्राइम नंबर्स आर सिंपली नंबर्स हूज जीसीडी. व्हाट इज जीसीडी. यू नो व्हाट इज जीसीडी. दिस इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. सेम एज एस सी एफ. ठीक है. हू जीसीडी इज वन बट दे डू नॉट नीड टू बी प्राइम नंबर्स. इज दिस रीजन इज करेक्ट. बेटा को प्राइम वही होते हैं ना बेटा कि सिंपल नंबर्स होते हैं जिनका एच सी एफ वन होता है और दे डू नॉट नीड टू बी प्राइम. इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट. रीजन बेटा ट्रू है या नहीं है. बेटा एक बच्चा आके बोलेंगे जरा माइक पे. हाँ सर जी यस बेटा देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो आंसर कौन सा आ गया. एंड इट इज अ करेक्ट रीजन आल्सो. सो आंसर विल बी ये ए हो जाएगा जी. बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी.
फोर्टीन एंड 21 आर को प्राइम नंबर्स, इज इट ट्रू? फोर्टीन एंड 21 आर को प्राइम, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट बच्चों? 14 एंड 21, देखिए दोनों का आप फैक्टर्स बनाइए जी, और आप HCF निकाल सकते हैं। अगर इनका HCF, आप लोगों को HCF निकालना आता है बच्चों? मेरे ख्याल से नहीं आता है। ठीक है, इधर यू कैन फाइंड HCF और इसके फैक्टर्स बना लीजिए। 14 के फैक्टर्स बनाए बेटा, 1, 2, 7 ये बन रहे हैं बेटा इसके फैक्टर्स। 21 के फैक्टर्स 1, 3, 7 ये बन रहे हैं बेटा। सो दोनों में क्या है, 1 तो कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 7 इज आल्सो कॉमन, तो आर दे को प्राइम एक्सप्लेन बच्चे? हाँ सर, जी मैम। सर व्हाट इज द असर्शन स्टेटमेंट? इट Assertion is इज नॉट विजिबल, नहीं सर, visible नहीं है मैम। एक्चुअली सर एवरीथिंग इज विजिबल बट देयर इज समथिंग ऑन सेटिंग्स का जो आता है ना टैब, वो आया हुआ है असर्शन के लिए, दैट्स व्हाट मैम नरेट कर देता हूं मैं। Assertion is 14 and 21 are co-prime numbers. 14 अब विजिबल है मैम? दिस इज आवर सेशन मैम। 14 एंड 21 आर को प्राइम नंबर्स, राइट बच्चों? तो अब हमने 14 का फैक्टर ट्री बनाया और 21 का, सो इन एडिशन टू 1 वी हैव 7 आल्सो एज कॉमन फैक्टर, सो इज दिस असर्शन ट्रू और नॉट बच्चों? असर्शन इज ट्रू और नॉट? आवाज नहीं आई बच्चों आपकी, कोई एक बच्चा आके माइक पे बोलेगा। सर बेटा नो, नो, सो दिस इज नो मींस फॉल्स हो गया। नाउ व्हाट इज रीजन, इफ टू नंबर शेयर एनी कॉमन प्राइम फैक्टर्स दे आर नॉट को प्राइम, रीजन इज करेक्ट। रीजन तो ट्रू है ना बेटा, सो कौन सा चॉइस होगा ये? डी हो जाएगा बच्चों? बेटा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, दैट इज डी, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट असर्शन रीजन पे हम आ जाते हैं। असर्शन इज द नंबर 35 एंड 64 आर को प्राइम, जल्दी से मुझे चेक करके बताओ वेदर दे आर को प्राइम और नॉट। 35 एंड 64, हाँ जी बच्चों डन। 35 एंड 64 आर को प्राइम, सबसे पहले इनके फैक्टर ट्री बनाइए, चेक कीजिए बेटा दे हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। हो गया बेटा? दोज हु हैव डन प्लीज रेज देयर हैंड्स।
अब एक ही बच्चे ने किया पीछे वाले बस। जल्दी फिनिश कीजिए बेटा। स्टूडेंट डन, आप कितने लोगों ने कर लिया, प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ जी, एक बच्चा आ जाए जरा माइक पे, बताए आके जरा। बेटा आप आ जाइए, थर्ड लाइन में बैठे हुए हैं ना जो। हाँ जी, थर्ड लाइन से। हाँ जी बताइए जरा। आ जाइए बेटा, बताइए, अपनी नोटबुक साथ लेके आइए। अब जो जो मैं पूछता जाऊं बताते जाना बेटा। अब 35 के जब आपने फैक्टर्स बनाए हैं तो 35 के फैक्टर्स बताइए क्या क्या बने हैं। सर, 1, 5, वन। हाँ जी, हाँ 7, थर्टी जी, 5, 35। और 64 के बेटा। सर, हाँ जी, 1। 1, टू, फोर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ टू, फोर, आगे बोलो। 7, 7। 7 बन रहा है। 8, 64 में 7 कैसे आया बेटा? 64 में 7 कैसे आया? सर 8, सर 8, अच्छा, और सर 8, सर हाँ 8 हो गया बेटा। 32, 32। सर 32, हाँ बोल, लिख दिया सिक्सटी बेटा फोर 64। और कुछ? और कोई नहीं बन रहा? 16, 16। और कुछ? बस यही बन रहे हैं। तो इनमें कॉमन क्या है बेटा? यस व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? सवाल, ओनली वन, सो दे आर को प्राइम। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया बेटा। यस बैठ जाइए आप बेटा। अब कौन आएगा नेक्स्ट, रीजन के लिए कौन आएगा बच्चा? यू विल एक्सप्लेन मी अबाउट द रीजन। आ जाओ बेटा। मैम प्लीज सेंड एनीवन। सर आर इज ट्रू आर इज ट्रू। हाउ बेटा? सर, बिकॉज टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, दे हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। यस बेटा, मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। फॉर एग्जाम्पल 7 एंड 8, ठीक है? सो इन दोनों नंबर्स में बेटा ऑलवेज देयर विल बी वन एज कॉमन फैक्टर ओनली। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द राइट चॉइस, आंसर क्या होगा इस। हाँ जी, कौन सी चॉइस आएगी बेटा, ए और बी? ए कैसे है बेटा? हाँ जी बेटा, देखिए फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का, असर्शन का रीजन के साथ कोई कनेक्शन है? रीजन असर्शन जो है उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा ना रीजन। अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर होते और ये चीज लिखी होती देन एक्सप्लेनेशन वाज करेक्ट। बट 34 एंड 64 दे आर नॉट कंसेक्यूटिव नंबर्स, हेंस द राइट चॉइस विल बी ए एंड आर, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हाँ जी बेटा, देखिए अब फैक्टर ट्री बनाया हुआ है। फैक्टर ट्री ऑफ 36 आता है बच्चों आप लोगों को फैक्टर ट्री बनाना?
ठीक है, देखिए प्राइम फैक्टर्स बनाए हुए हैं राइट। चलिए 36 का और इसका दिया हुआ, मैं आपको एक और नंबर देता हूँ उसका बनाइए जरा। मेट ऑफ 243, मेक द फैक्टर ट्री ऑफ 243। हो गया बेटा, सर बताइए बेटा क्या क्या बनाया। हाँ जी बताइए बेटा। सर 3 51 हाँ जी, 9 1 नाइन एंड वन। बेटा देखिए, जब भी फैक्टर ट्री बनाते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे बनाते हैं। आपने 3 और 81 लिया, अब 3 जो है इटसेल्फ इज ए प्राइम राइट। ठीक यस है, देखिए बेटा कैसे बनाना है। आपने लिया 81 राइट, यहाँ पे लिया 3, सॉरी 243 था ना, टू फोर्टी थ्री था, देखिए 243 381 राइट। अब आपने 81 के फैक्टर्स बनाने हैं, 3 एंड 27, ये 3 एज इट इज चलता जाएगा बेटा। इज इट क्लियर नाउ? सर, इस इज ए प्राइम फैक्टर, इसको बनाया आपने 3 9, देन दिस इज ए प्राइम फैक्टर यस एंड 3, तो ये ऐसे ही नीचे आता जाएगा बेटा। सो दीज आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। अंडरस्टूड बेटा? ठीक यस सर है, तो आप जो बना रहे हो ना, आपने क्या बोला था, जैसे 1 243 3 81, यू आर सेइंग लाइक दिस, सर यस 9 27। ठीक है बेटा, ये तो इसके हो गए आपके पास। दीज आर आल्सो फैक्टर्स, बट दीज आर फैक्टर्स एंड दिस इज अ फैक्टर ट्री। व्हेन यू आर मेकिंग फैक्टर ट्री, यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू द प्राइम फैक्टर्स। इज इट क्लियर? प्लीज सर नोट डाउन, सारे लोग नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको। यस एनी वन, एनी डाउट? कुछ आवाज आ रही है बट क्लियर नहीं है। हाँ हो गया बेटा, चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट बनाएंगे बेटा आप लोग 675, मेक इट्स फैक्टर ट्री।
जी स्टूडेंट्स हो गया। मैडम प्लीज सेंड दिस स्टूडेंट जिसके आप नोटबुक चेक कर रहे हैं। लेट दैट स्टूडेंट एक्सप्लेन। हाँ जी बेटा बताइए जरा। फैक्टर सर नाउ बेटा प्राइम। हाँ जी फैक्टर्स आर 1 675 225 नहीं, बेटा आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो फैक्टर्स, बट आई वांट फैक्टर ट्री। जब हम फैक्टर ट्री बनाते हैं बेटा, सबसे पहले तो देखिए इसका कौन सा प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। हाउ टू मेक द फैक्टर ट्री। आपने ये 675 लिया बेटा फैक्टर ट्री बनाने के लिए। दिस इज द वे ऐसे बनाते हैं बच्चे हम। यस सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड हो रहा है दैट इज थ्री। थ्री टू जा थ्री टू जा ये आ गया बेटा। इज दिस स्टेप क्लियर टू ऑल। सर 3 3 2 225 बेटा 375 यहां पे आप देखिए फर्स्ट स्टेप किया आपने तो थ्री और 225 यहां पे आ गया। नाउ डिवाइड फर्दर दिस 225। इट कैन बी डिविजिबल बाय थ्री। थ्री सेवन जा थ्री फाइव जा। नाउ मेक फर्दर थ्री 75 राइट। नाउ डिवाइड दिस फर्दर बाय इट इज डिविजिबल बाय थ्री। सो अगेन 75 थ्री 25 फर्दर इट इज डिविजिबल बाय फाइव। सो दिस इज फाइव फाइव बन गए बेटा सारे प्राइम फैक्टर्स। यस दिस इज द वे टू मेक द फैक्टर ट्री। आप जो फैक्टर बना रहे हो यू आर वेरी राइट, बट व्हेन वी आर मेकिंग द फैक्टर ट्री डू इट लाइक दिस। इज दिस क्लियर। कोई ओके डाउट। सर कोई डाउट बच्चों। आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और जो जो प्राइम फैक्टर्स बनते जा रहे हैं यू हैव टू राइट लाइक दिस राइट। ये आपका फर्स्ट स्टेप में आ गया। ये सेकंड स्टेप। ये फर्दर इसके फैक्टर्स बनाए थर्ड स्टेप। फर्दर फैक्टर फोर्थ स्टेप राइट। इज दिस क्लियर। आगे चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है प्लीज कंप्लीट द फिलअप्स। इसको कंप्लीट कीजिए बच्चों। जैसे मैंने अभी सिखाया है आपने प्राइम फैक्टर्स बनाते जाना है इसको फिल करते जाना है जी। हो गया बेटा बताते जाइए मुझे कि यहां पे क्या आएगा। टू यहाँ पे 15 यहाँ पे फोर्टीन ठीक है बच्चों। यस और नो। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नाउ देर इज अ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा विच यू शुड नोट डाउन राइट। इफ द रिजल्टेंट नंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं बेटा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के, हमें पता ही नहीं होता कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम करना है। उसमें ना कुछ चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। सबसे पहली चीज तो अगर आपको कुछ वर्ड्स नजर आ रहे हैं जैसे ग्रेटेस्ट लीस्ट
हाईएस्ट, ठीक है, अगर हाईएस्ट ग्रेटेस्ट है तो आप क्या करेंगे, आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, लीस्ट इस तरह के वर्ड्स हैं तो आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि इफ द रिजल्टेंट नंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स, देन वी नीड टू फाइंड आउट एलसीएम। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज कीजिए थ्री बॉयज जो है एक ही पॉइंट से इकट्ठा चलना शुरू करते हैं, राइट। एक बॉय जो है उसका जो स्टेप है, लेट से उसकी हाइट थोड़ी कम है, उसका जो स्टेप है 63 सेंटीमीटर मेजर करता है। स्टेप का मतलब क्या है कि जो पर्सन चल रहा है ना, एग्जाम्प ले रहा है ऐसे करके, तो 63 सेंटीमीटर है, सेकेंड वाले का 70 सेंटीमीटर है, एंड थर्ड इज 77। सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये रोड है बेटा, यहाँ से फर्स्ट वाले ने चलना शुरू किया, उसका फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड ने चला है तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है और थर्ड का स्टेप ये है। अगर यहाँ पे तीनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया है तो अगली बार उनका स्टेप कहाँ पे इकट्ठा आएगा तीनों का, यही फाइंड आउट करना है बेटा हमें। तो अब जो ये स्टेप की लेंथ गिवन है, ऑफ कोर्स इससे ज्यादा ही आएगा, अगर इससे ज्यादा आएगा तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम, ठीक है बच्चे। एंड एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स, इज इट क्लियर, यस और नो, ठीक है बच्चों। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए, इफ द रिजल्टेंट नंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी लेसर, ठीक है, अगर नंबर जो है वो जो गिवन नंबर है उनसे छोटा है तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अनाया हैज 32 मरून बलून्स, 24 व्हाइट बलून्स एंड 16 ऑरेंज बलून्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट देन शी कैन मेक इफ एवरी बलून इज यूज्ड। अब उसके पास थ्री टाइप्स के बलून है बेटा, एक है 32, 24 एंड 16। अब हमने इनको यूज करना है, मतलब अगर इनको यूज करना है तो दीज आर द मैक्सिमम, इससे बड़े तो नहीं हो सकते ना बलून, ज्यादा और तो नहीं हो सकते, वी हैव टू यूज दिस मच, तो इनकी ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग में से इनका एक पार्ट लेंगे ना, मीन्स इसका कुछ पार्ट लेंगे, इसका कुछ पार्ट, और इसका एक ग्रुप बन जाएगा, सिमिलरली दूसरा ग्रुप बन जाएगा, तो जो आपका आंसर है वो इससे स्मॉलेस्ट है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड द एचसीएफ, बिकॉज एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन द गिवन नंबर। समझ में आया बच्चों या नहीं आया, इज इट क्लियर बेटा, ये मैं बता रहा हूं आपको अभी समझ आ जाएगा, बट आप क्वेश्चन जब करेंगे ना तो यू हैव टू कॉशियसली अप्लाई दिस थिंग्स, आपको ना देख देख के एक एक चीज अप्लाई करनी है कि यहाँ पे छोटा नंबर आ सकता है या बड़ा आ सकता है, देन यू विल अंडरस्टैंड, राइट। सो दिस रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इज दिस एक्सप्लेनेशन क्लियर, आप इसको नोट कर लो बेटा, ये जो पॉइंट गिवन है ना फर्स्ट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन दिस, हो गया बच्चों नोट, स्टूडेंट हैव यू नोटेड डाउन, कीजिए फटाफट कीजिए बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हाँ जी, फाइंड वेदर वी नीड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए बेटा, दो क्वेश्चंस गिवन है, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम इन दैट। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड किया है उसके बेस पे करते हैं। देखिए, सोहन इज मेकिंग बॉक्सेस फॉर कोविड 19 रिलीफ कैंप्स,
हैज 403 बॉटल्स ऑफ वाटर, 403 बॉटल्स ऑफ वाटर, 433 फूड पैकेजेस, 465 मेडिसिन पैकेजेस, विच ही वुड लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट। अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको, तो नंबर जो बनेगा वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? हाँ जी बच्चों, जब ये टोटल है, इसके पार्ट करने हैं ना, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कॉमन नंबर जो आएगा वो स्मॉलर आएगा ग्रेटर आएगा? स्मॉलर आएगा तो क्या फाइंड आउट करना है? एच सी एफ, एच एच सी एफ फाइंड आउट करना है बच्चों, जल्दी से फाइंड आउट करो इसका। प्लीज फाइंड आउट द एच सी एफ ऑफ दिस थ्री नंबर्स, 403, 434, 465। कीजिए बच्चों फटाफट फाइंड। हो गया बेटा, हो गया बच्चों, बेटा डन। चलिए आप ये ना नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, यू कैन डू योर सेल्फ। ठीक है, हमें पता चल गया एस सी एफ फाइंड आउट करना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सॉकर टीम एंड बास्केटबॉल टीम आर शेयरिंग द फील्ड फॉर देयर प्रैक्टिस टुडे, मतलब दो टीमें हैं, उन्होंने आज आपका जो है, ये सॉकर टीम हो गई बेटा और ये बास्केटबॉल, इन्होंने आज जो है फील्ड शेयर किया है। सॉकर टीम जो है दैट कम्स आफ्टर एवरी 6 डेज, ये 6 डेज के बाद प्रैक्टिस के लिए आती है, और ये टीम 4 डेज के बाद। नाउ ही इज आस्किंग व्हेन अगेन बोथ द टीम विल बी टुगेदर शेयर द फील्ड। अब ये एक 4 डेज के बाद आ रही है, ये अगले फिर 8 डेज के बाद आएगी, ये 12 डेज के बाद, इस तरह से चलेगा बेटा, यस और नो? और ये 6 डेज के बाद आई है तो नेक्स्ट 12 डेज के बाद आएगी बेटा ये। सो दे विल शेयर द फील्ड आफ्टर 12 डेज। सो इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना था? एलसीएम, बिकॉज द एक्सपेक्टेड रिजल्टेंट इज ग्रेटर, सो वी नीड टू फाइंड आउट एलसीएम। इज इट क्लियर बच्चों में, दिस इज क्लियर और नॉट? एनीथिंग नॉट क्लियर बेटा? आज जो हमने प्लेइंग विद नंबर्स किया है, एनी डाउट्स प्लीज टेल मी, एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए बच्चों, वील फिनिश आवर क्लास टुडे ओनली, हेयर ओनली, सो वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टीचर।